आदि सप्तग्राम के अंतर्गत ये नुपुर कुंड है। यहीं पर ही महाप्रभु का नुपुर का भी नृत्य करते करते गिरा था। और गुरुदेव ने बताया कि यहाँ पर एक वृक्ष था कदम का, इसमें रोज एक फूल आता था महाप्रभु के लिए। बड़ा सुंदर स्थान है। और इधर एक माधवी लता, यहाँ पर महाप्रभु कभी बैठे थे, ये वो लता है। সেই জন্য মানে উনার হাতে রান্না বা উনার ছোঁয়া লাড়া কেউ স্পর্শ করতেন না, সেদিনও স্পর্শ করে না, কিন্তু নিত্যানন্দ বাবু সেই জিনিসটাকে জানা সবাইকে জানানোর জন্য এই লীলাটা করেছে। আর ওই যে মন্দিরে যে বিগ্রহ রয়েছে তার মধ্যে মাঝখানে ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আছেন, ওনার ডান দিকে নিত্যানন্দ প্রভু, ওনার বামে হচ্ছে গদাধর পণ্ডিত, আর অষ্টধাতুর মূর্তি উদ্যানন্দ ঠাকুরের हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये स्थान का नाम श्री उदाहरण दत्त का वासस्थान, यहीं पर रहते थे। कहते जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए वो अकेले नहीं आए, कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार सदस्योधाम सहाव। महाप्रभु इसी जगत में जब आते हो अकेले नहीं आते, अपना धाम और परिकरों को लेकर के आते हैं। इसलिए कृष्ण लीला में जो सुबाहु कहते पंचम कृष्ण का जो आठ सखाव में जो पंचम सखा ये सुबाहु है, तो इस सुबह ही ये कलयुग में उदाहरण दत्त रूप में जन्म ग्रहण किया। लेकिन उनका जो जन्म ये बणी के वंश में जन्म है, जो बनिया जो बणी के वंश है, लेकिन उनका हाथ का कोई चीज़ लोग नहीं ग्रहण करते, क्योंकि वो लोग मैया अगर सोना बना देने के लिए देती हैं वहाँ से भी वो लोग काट लेते हैं, इसलिए उनको जो पैसा कमाई को बड़ा पाप मानते हैं, इसलिए उनका हाथ का वस्तु सहज में कोई ग्रहण नहीं करना चाहते। इसलिए लेकिन इनका जन्म तो निम्न कुल में हुआ। जब यहाँ पर रसोई बनाए लोगों ने बोले इनका हाथ का खाना हम लोग नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि इसका जो जात है वो छोटा जात में जन्म ग्रहण किया। लेकिन उसमें जो खुंती होता है जिसमें चलाते हैं सब्जी को, वो था अरहर दाल का एक डंडा, उसी से ही उसको रसोई चलाया करते थे। चलाते जाते लोगों ने बोले हम ये चीज़ को ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन इसे नित्यानंद प्रभु को पता है कि कृष्ण लीला में अष्टम सखा का जो अष्टम जो सखा है कहते ये श्री उदाहरण दत्त है, जिसमें वो चलाया करते थे। तब महाप्रभु ने क्या किया, उसको ले करके चैतन्य महाप्रभु उसको ले करके अरहर दाल का वो जो डंडे को सूखे डंडे को नित्यानंद प्रभु ने यहाँ पर गाड़ दिया गाड़ दिया। तो गाड़ते ही ये सुंदर वृक्ष, आप लोग जो सुंदर वृक्ष को दर्शन कर रहे हैं ये माधवी लता, इसलिए नित्यानंद प्रभु ने इस चीज को स्थापन किया। कहते उदाहरण दत्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये महाप्रभु का नित्य परिकर, राधा कृष्ण का नित्य परिकर, कृष्ण लीला में सुबह हो सका है। जब उन लोगों ने देखा उनके आश्चर्य करामति को, अरे सब लोगों ने हरी पर प्रसाद पाकर गए। इसलिए आदि सप्तग्राम भी यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का यहाँ पर जन्म स्थान भी है। अभी हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी का स्थान भी जाएंगे और यहाँ पर उदाहरण दत्त का सेवित विग्रह बीच में श्री षड्भुज गौरांग है, यहाँ श्री गौरांग महाप्रभु, यहाँ श्री नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु का विग्रह है। और ये जो स्थली उदाहरण दत्त का स्थली, यहीं पर नुपुर कुंड है, श्रीमन महाप्रभु नृत्य करते करते उनको प्यार का नुपुर आकर के यहीं पर गिरा था, इसलिए वो कुंड का नाम नुपुर कुंड है। यहाँ पर एक कदम का वृक्ष था जिस वृक्ष में रोज आना एक एक फूल जरूर आएगा,
जिस फूल को लेकर उदाहरण देता ठाकुर जी के चरण में चढ़ाया करते थे, लेकिन ये स्थली अत्यंत अत्यंत पवित्र महाप्रभु का भक्तों का विलास स्थली है। पिताई गौर ब्रह्मानंद दे हरि हरि बो। ठाकुर का दर्शन भी इसमें दिखा देता है। बीच में महाप्रभु का षडभुज रूप है, एक तरफ नित्यानंद प्रभु, एक तरफ गदाधर पंडित, और ये जो नीचे में जो अष्ट धातु का जो विग्रह है ये उदाहरण दत्त जी का ही विग्रह है। हाँ,